उत्तराखंड के हरिद्वार में उत्तराखंड और यूपी पुलिस ने साझा बैठक की, जिसमें क्राइम कंट्रोल को लेकर मंथन किया गया। इसके साथ ही बैठक में सूचना तंत्र को मजबूत करने को लेकर भी चर्चा की गई। अब देखना होगा कि बैठक के बाद क्राइम का जो ग्राफ है वो कितना गिरता है। तो उत्तराखंड के हरिद्वार में ये बैठक हुई, जहां यूपी के पुलिस के अधिकारी और उत्तराखंड पुलिस के अधिकारियों ने साझा एक मीटिंग की। मीटिंग में क्राइम कंट्रोल को लेकर मंथन किया गया और जो क्राइम है बढ़ता हुआ, जो क्राइम लगातार बढ़ रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए सूचना तंत्र को और भी मजबूत करने पर फोकस दिया गया, ताकि अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और जो बढ़ता हुआ अपराध है उस पर नकेल कसी जाए। जी, ये लगातार होती रहती मीटिंग, एक साल में पहली बार हो रहा है मुझे बिजनौर के साथ, तो बॉर्डर मीटिंग तो वहाँ के एसपी साहब और बाकी अधिकारी गण आए हैं, तो हमारे क्रिमिनल्स के लिस्ट का आदान प्रदान किया गया और आपस में ये भी डिसीजन लिया कि कंप्लेंट चेकिंग करेंगे हम बॉर्डर के एरियाज में, और जितने भी आपस के प्रॉब्लम्स हैं बेटर कोऑर्डिनेशन के साथ करने के लिए भी डिसीजन हुआ है। ये बेसिकली कोऑर्डिनेशन और अच्छा हो इसके लिए एक बॉर्डर मीटिंग की गई थी, जो हमारे बिजनौर के बॉर्डर के थाने हैं वहाँ के थाना अध्यक्ष, प्लस जो हरिद्वार के बॉर्डर के थाने हैं वहाँ के थाना अध्यक्षों के साथ ज्वाइंट मीटिंग थी। और कोशिश ये रहेगी कि जो भी आसपास के क्रिमिनल है बॉर्डर एरिया के, उनके शिकंजा कसा जा सके। यदि कोई ज्वाइंट ऑपरेशन होता है, जैसे हरिद्वार की टीम कोई हमारे यहाँ आती है, हमारी वहाँ जाती है, तो एक समन्वय बना रहे, इसके लिए मीटिंग की गई है। आगे